हम लोग यहाँ पे बेगम को तो रेलवे स्टेशन पर आएंगे। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक छोटा सा गांव, जिसका रेलवे स्टेशन का नाम है बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। कहा जाता है कि यह स्टेशन सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। इस पर सैकड़ों न्यूज आर्टिकल्स, मैगजीन रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और वीडियोज बनाए गए हैं। आज आप और हम मिलकर इसी रेलवे स्टेशन पर जाने वाले हैं और दोनों मिलकर जांच करने वाले हैं क्या है असली सच इसी रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे सचमुच में भूत हैं या नहीं। No train has stopped at West Bengal's Begunkodar railway station. Begunkodar railway station. तो दोस्तों, गूगल मैप्स के अनुसार अभी हम लोग देख सकते हैं कि करीब करीब 10 मिनट बाकी है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन का, और अभी पता नहीं कैसे अभी हम लोग जाएंगे, कौन सा रास्ता है, कच्चा रास्ता दिखा रहा है, और आने में हम लोग को करीब करीब 1 घंटा 15-20 मिनट लगा है, जो कि एकदम स्टैंडर्ड है। गूगल मैप से 1 घंटा दिखा रहा था, तो 15-20 मिनट इधर उधर थोड़ा बहुत हम लोग रुके थे, तो ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग आए हैं, और थोड़ा ट्रैफिक भी था रास्ते में, रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी हम लोग आपको टाइम वेस्ट करके दिखाते हैं बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन तक, चलिए चलते। गूगल मैप्स के अनुसार दिखा रहा है कि आगे से राइट लेना है, तो शायद यही रास्ता होगा। थोड़ा थोड़ा आगे चलिए भैया। हाँ नहीं, तो थोड़ा और आगे। हाँ यही वाला दोस्तों, ये वाला रास्ता आप लोग देख सकते हैं, एकदम मतलब रास्ता ही नहीं है, और गूगल मैप्स तो सीधा जाने को बोल रहे हैं, सीधा तो ये कहाँ है, एक बार साइड में देखते हैं। अरे वो रहा, ये देखो यहाँ पे ये लोग मार्क करके रखे हैं, तो वो दूर। हाँ, एक सामने एक गाड़ी भी खड़ा है, चलिए। ये मेन एरिया है स्टेशन का, वो देखिए दोस्तों सामने वाइट कलर का जो आपको बिल्डिंग मिल रहा है, वही है ऑरिजिनल बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, मेन स्टेशन है। आसपास एक सिंगल लाइट नहीं है, आसपास आप लोग देख सकते हो। बस ये आगे से रास्ता ही तो नहीं है, कैसे जाएंगे, उतर के देखते हैं। चलो। पहुँचते बहुत रात हो गया था। एक बात मेरे को बहुत अजीब लगी कि रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं था। मतलब जब आप मेन रोड से स्टेशन की रास्ता पकड़ते हो तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात, रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, पूरा कच्चा रास्ता है और खेतों के बीच से आपको स्टेशन तक जाना पड़ता था। अगल बगल कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा था। हम लोग जब गाड़ी से उतरे, समय था रात का 10 बजे। मेरी मम्मी और मेरे मौसी जी नहीं आए, मौसी को हम मौन बोलते हैं, वो लोग नहीं आए, वो लोग गाड़ी पे ही रुके ड्राइवर के साथ। तो मैं, मेरे पापा, मेरे बहन और मेरे काकाई, हम सब लोग मिलके चल पड़े स्टेशन की ओर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पे आए हैं। कहते हैं कि ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे हॉन्टेड स्टेशन है, और सामने वो देखिए, वो है स्टेशन। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब आसपास कुछ भी दुकान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, सिर्फ एक साउथ ईस्टर्न रेलवे का मार्कर लगाया गया है, और दोनों तरफ जो खेत आप देख रहे हो ना, ये दोनों खेतों में मतलब उगाई हो रहा है, कल्टीवेशन चल रहा है, चावल का शायद हो रहा है, और पानी वानी पूरा भरा है, और इतना पतला रास्ता, मतलब एक आदमी अगर गया तो दो नहीं जा पाएगा। तो मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ वायर्स वगैरह है, और फिर बाकी साइड वाइड में कुछ नहीं है, मतलब लिटरली कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ कैमरा में मतलब थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है, पर असल में जीरो लाइट है यहाँ पे, जीरो लाइट। हम लोग फ्लैश लेके जा रहे हैं, और पीछे मेरा बहन भी फ्लैश यूज़ कर रही है। तो ये आदमी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ आदमी लोग हैं, और ये देखिए स्टेशन बेगुनकोदर, ऊपर लाइट है, ये एकमात्र लाइट है पूरे इस इलाके का, वहाँ दूर एक मीटर है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोकल्स वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, यही है बेगुनकोदर स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2।
आइए लोकल्स के साथ एक बार बात करके देखते हैं कि वो लोग उनका उनका क्या विचार है, उनका क्या मानना है स्टेशन के ऊपर। स्टेशन में ना कोई स्टेशन मास्टर था ना कोई रेलवे का कर्मचारी, पर उनसे बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टेशन के राज के बारे में। क्या है स्टेशन के पीछे का कहानी जिससे ये स्टेशन सबसे हॉन्टेड स्टेशन बन जाता है, न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे दुनिया का। आइए स्टेशन के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। स्टेशन को सेटअप किया गया था 1960 में इंडियन रेलवेज क्वीन ऑफ संथाल्स और अचन कुमारी के द्वारा। ये पुरुलिया मुरी लाइन का एक बहुत अहम स्टेशन माना जाता था। इसके आगे वाला स्टेशन था कोटसिला जंक्शन। 1967 में एक रेलवे एम्प्लॉय बैद्यनाथ सरकार का यहाँ पे स्टेशन मास्टर के रूप में पोस्टिंग होता है। आते ही उसने देखा कि यहाँ पे बहुत कम ट्रेन्स रुकते हैं और बहुत कम लोग हैं, मतलब मानो कोई लोग ही है नहीं। रात के बजे थे 8 बजे। वो अपने केबिन से देख रहा था स्टेशन को और उसी बीच उन्होंने देखा कि जिस ट्रेन को उस स्टेशन पे रुकना था वो तेज़ी से स्टेशन के बगल से चल गया और उसी ट्रेन के साथ साथ एक लड़की दौड़ रही थी, मानो उसको ट्रेन पकड़ना था। वे तुरंत बाहर गए ट्रेन को रोकने के लिए ताकि वो लड़की चढ़ सके, पर वो जब बाहर आए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो लड़की कहीं दिख नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि उनका कोई वहम होगा। थोड़ी देर बाद जब दूसरा ट्रेन आया वो ट्रेन भी नहीं रुका, बल्कि उस ट्रेन को भी इस स्टेशन पर रुकना था पर वो नहीं रुका, और सेम वापस उसने देखा कि वो लड़की दौड़ के जा रही है उस ट्रेन के साथ। तीसरे बार में उन्होंने सोचा कि मैं अभी बाहर जाके खड़ा रहता हूँ तो मेरे को देख के ट्रेन ड्राइवर शायद ट्रेन को रोक दे। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोका नहीं पर ट्रेन को धीमा कर दिया, और अचानक उसने वापस कुछ चीज़ को देख के ट्रेन को एकदम फुल स्पीड करके भगा के लिए चल गए। उन्होंने देखा कि वापस ट्रेन के साथ सफ़ेद साड़ी वाली औरत दौड़ रही है। उसके एकदम बगल से गया और वो चौंक गए यह बात को देख के कि वो लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी, जो कि नामुमकिन है। उन्होंने क्या किया, उनको अभी थोड़ा डर लगने लगा, वो अपने केबिन में आके दरवाज़ा लॉक कर दिया और सो गए। दूसरे ही दिन उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बातचीत किया, कुछ लोगों ने उनको बताया कि इसी स्टेशन में इसी पटरियों पे कई साल पहले एक लड़की की मौत हो चुकी थी। वो लाइन को क्रॉस कर रहे थे, उनको पता नहीं था एक ट्रेन आके उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो डर के मारे अपने क्वार्टर पे वापस गए और इंडियन रेलवेज को चिट्ठी लिखा कि मुझे यहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र करो। पर अफसोस की बात यह थी, उसी के दूसरे दिन गाँव वालों ने बैद्यनाथ जी और उनके पूरे परिवार का डेड बॉडीज़ उनके क्वार्टर्स में पाए। उस हादसे के बाद और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ भयानक चीज़ें होते गए। फिर रेलवे ने यह प्रतिज्ञा लिया कि ये स्टेशन को हम बंद कर देते हैं, रेलवे ने बंद कर दिया। उसके बाद 1990s में जो गांव वाले थे वो रेलवे को एक और पिटीशन लिखे कि हमारे स्टेशन को वापस खोल दीजिए ताकि उनका सुविधा हो यहाँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि जो दूसरा स्टेशन था वो बहुत दूर था। साल था 2007। जो यहाँ पे लोकल विलेजर्स थे उन्होंने तब की रेलवे मिनिस्टर SMT ममता बनर्जी और तब के CPIM लीडर वासुदेव आचार्य, जो पुरुलिया से थे और एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज के पार्ट थे, उनको चिट्ठी लिखा कि हमारे स्टेशन को वापस खोल दीजिए। उन्होंने ये बात मानी और 2009 में स्टेशन को वापस एक पैसेंजर ट्रेन हॉल्ट के रूप में ममता बनर्जी तब के जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने खोल दिया। अभी अगर रेलवेज के आप स्केड्यूल को देखते हो तो यहाँ पे 10 ट्रेन्स को रुकना चाहिए, पर हमने जो टाइम में गए थे उसके आसपास भी जो ट्रेन्स थे वो एक भी ट्रेन यहाँ पे अभी भी नहीं रुकता है। कहा जाता है कि हफ्ते में 2 बार सूर्योदय के बाद वो लड़की वापस ट्रेन के साथ दौड़ती है। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रेन के साथ दौड़ती है और ट्रेन पकड़ने का प्रयास करती है। जब हम स्टेशन की ओर जा रहे थे एक आदमी ने हमें बोला कि यहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक यूट्यूबर को पीटा गया था और आप लोग यहाँ पे वीडियो बनाइए ही मत।
देखा है? हाँ, एक वीडियो पढ़ा जो मेरे यद्यपि टीचर तो वो इंसान शायद इन वे हमें डराने का कोशिश कर रहा था और ऑब्वियसली हमने उनको बात नहीं माना और हम लोग चल पड़े रिकॉर्ड करने। अगर हम लोग को कुछ बोलता घर से उठवा लेते। फिर अचानक हम लोग ने देखा कि वहाँ के जो लोकल से वो हमारे साथ आए हैं बात करने के लिए। বৈদ্যনাথ সরকার কোন সময় ঘটনা? 50 বছর তো আর এখন স্টেশন মাস্টার কে আছে? উনকে সাথ বাত করকে হামে ইয়া পতা চলা কি স্টেশন মাস্টার থা উসকা নাম বৈদ্যনাথ সরকার থা আপকো পহলে বোলে থে। और इसी के साथ साथ वो ऐसा किया था क्योंकि उसको पोस्टिंग चेंज करना था। उनके हिसाब से यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लोग जो बात कहे थे वो पूरा पूरी सच नहीं था। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि करीब करीब बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं। एक सबसे पहले ये गाँव वालों को टूरिज़म बढ़ाने के लिए भूत का कहानी रचा था जिससे लोग आए यहाँ पे घूमे और शहर का नाम बने। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे रेलवेज एम्प्लॉय वो जो बैद्यनाथ जी थे उन्होंने कहानी रचा था और वो कोई भूत उनको नहीं मारा था, वो सिर्फ पोस्टिंग चेंज करने के लिए ये कहानी बनाई थी। और क्योंकि हमने देखा कि आसपास कोई गांव कुछ नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो ये हो सकता है। या फिर ये थ्योरी ऐसा है कि जब कोई यहाँ पे आता है रात रुकने के लिए और फिर उसके बाद वो यहाँ पे रहता है तो ये लोग रात में क्या करते हैं, इनके पास आके कुछ ऐसे भूत के आवाज़ बना के उनके सामान चुरा के भाग जाते हैं। ये एक थ्योरी है। एक और थ्योरी हो सकता है कि इस स्टेशन से कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं या फिर कुछ ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, तो इसीलिए एक कहानी बनाया गया। या फिर ये कहानी सच हो सकती है क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी विज्ञान सॉल्व नहीं कर पाई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते हैं कैसे होता है। देर आर सम थिंग्स दैट डिफाई ऑल द बाउंड्रीज ऑफ साइंस। आज तक सूर्योदय के बाद उस स्टेशन में एक भी ट्रेन रुकता नहीं है, तो ये एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी आप कह सकते हैं या फिर आप नहीं कह सकते। आपको बहुत सारे थ्योरीज हम इस वीडियो में दिए हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से विश्वास करते हैं। ये पुरुलिया व्लॉग का पार्ट टू है। अभी भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो धीरे धीरे हमारे चैनल पर आएंगे। अभी थोड़ा टेक वीडियोस नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स तो मिल रहे हैं पर समय नहीं है, क्योंकि मेरे को ये सारे वीडियोस पहले बनाने हैं कि ये सब मैं बना के रखा हूँ और बहुत ही दिलचस्प वीडियोस है। मेरा उम्मीद है कि आप सब लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। जितने सारे रिसर्च के लिंक्स हैं सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑल्वेज कीप सेफ। धन्यवाद।